अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। दुर्घटना के बाद कार में लगी आग, महिला हुई जलकर राख, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शाहरुख खान के मन्नत बंगले के करीब की इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी आग में एक महिला की हुई मौत, तो एक महिला गंभीर रूप से। पुणे की पुरानी वडारवाड़ी में लगी आग, 30 मकान जलकर हुए राख। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली एचआर तेज खबर सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली घाट से है। अंबोली घाट में 18 मार्च को शाम के समय एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें कार चालक ने पहले अन्य एक गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद वो वहां से तेज गति से बचने के विचार से भाग निकला, मगर भागने के दौरान उसको ध्यान नहीं रहा कि उसकी कार में शॉर्ट सर्किट होकर के आग लग चुकी है। आग ने जो है भयानक रूप धारण कर लिया और जैसे ही कार को आग की चपटों में इस ड्राइवर ने घिरता हुआ पाया तो उसने खुद को कूद करके बचा लिया, मगर उसके साथ में एक महिला आगे ड्राइवर सीट के बाजू में बैठी थी जो सेफ्टी बेल्ट लगा करके बैठी थी, जिसके कारण वो खुद को बचा नहीं पाई और जल करके कार में ही उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कार जो है वैगनआर कार है और इसे चलाने वाले का नाम दुंडुप्पा बंगरप्पा पद्मनावर है और महिला का नाम रिजवाना असलम पाथरवट। ये दोनों बेलगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मार्ग से वो गोवा कहीं कुछ जा रहे थे और ऐसी जानकारी सामने आई है कि चालक दुंडुप्पा जो है वो महिला रिजवाना असलम पाथरवट का फैमिली डॉक्टर है। वहीं रिजवाना असलम पाथरवट के दामाद ने जो है पुलिस को जो बयान दिया है उससे ये मामला संदिग्ध माना जा रहा है। हम आपको मृतका रिजवाना की तस्वीर, कार के जलने के बाद की तस्वीरें और जलने के दौरान का वीडियो बता रहे हैं। चार तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर मुंबई के बांद्रा से है। बांद्रा में मशहूर फिल्म अभिनेता सुपरस्टार शाहरुख खान का मन्नत बंगला है। इसी के ठीक सामने सी स्प्रिंग नामक एक बिल्डिंग है। 19 मार्च गुरुवार सुबह तड़के इस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में भयानक आग लगी। इस आग में फ्लैट में रहने वाली ब्रिटिश नागरिक युवती, 20 वर्ष उम्र बताई जा रही है उसकी, इवाना मॉरिस, वो बुरी तरह से जल गई जिसे अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं इस आग में इवाना के पास काम करने वाली 38 वर्षीय सिफरा जाफरी, जो कि 90% जली है, उसे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। कैसी इस ऊपरी मंजिल के फ्लैट में आग लगी थी उसका वीडियो हम आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग का नाम क्या है? सी स्प्रिंग। एचआर तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर पुणे से है। पुणे के चतुर्श्रृंगी परिसर में पुरानी वडारवाड़ी करके झोपड़पट्टी का इलाका है। 19 मार्च को आधी रात के बाद यहां पर अचानक एक घर में आग लग गई। देखते देखते ही यह आग इतनी फैलती चली गई कि आसपास के लगभग 30 मकानों को इसने अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, लेकिन उसी दौरान कुछ घरों में से 3 सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हो गए, जिसके चलते आग जो है बढ़ती चली गई। बहरहाल 1 घंटे से 1.5 घंटे तक के प्रयासों से 15 फायर इंजन और वाटर टैंकर लगा करके अग्निशमन दल ने इस आग पे काबू तो पा लिया। उसके बाद जो है इस पे कूलिंग करने का काम किया गया।
अभी फिलहाल स्थिति पूरी नियंत्रण में है, मगर इस आग की वजह से पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल मचा था। महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहे थे। सौभाग्य से किसी प्रकार की कोई जीवित हानि इस अग्निकांड में नहीं हुई है। कैसी यह आग लगी थी और रात का क्या मंजर था वो हम आपको बता रहे ये थी आज की हमारी एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों में।